अब तो ऐसा लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन गौतम शालीन कभी दोस्त नहीं बन सकते। मतलब चाहे कितनी भी इनकी दोस्ती करवाने की कोशिश की जाए, चाहे कितने भी वीक मोमेंट में शालीन गौतम को सपोर्ट करें या गौतम शालीन को, लेकिन इनकी पर्सनालिटीज़ मैच नहीं करती। जस्ट लाइक मे बी सिद्धार्थ और आसिम, हालांकि मैं इनको उनसे कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक एक पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए शालीन अपने आप में डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, वो चाहते हैं डोमिनेट करना, वहीं गौतम भी डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, इसलिए दो डोमिनेंट लोग एक साथ हो नहीं सकते। सो इस वक्त घर के अंदर ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। वीकेंड एपिसोड के बाद जब शालीन ने गौतम को संभाला, गौतम बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटेड महसूस कर रहे थे। ऑफकोर्स बैशिंग मिली थी, बुरी तरह से उनको डांट पड़ी थी, बुरी तरह से उनकी वाट लगाई गई थी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद शालीन ने दोस्ती का हाथ गौतम की तरफ बढ़ाया। इतने वक्त से बात नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी शालीन ने गौतम को अच्छे से सपोर्ट किया, उनका ध्यान दिया वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे सोशल मीडिया पर इस वक्त जो है जनता ने साफ तौर पर क्लियरली ऑब्जर्व कर लिया है कि भाई चाहे कितना ही कर लो, इनका कुछ नहीं होने वाला। लाइव फीड में एक बड़ी फुटेज सामने आ रही है। इस फुटेज में शालीन और गौतम दोनों बात कर रहे हैं। शालीन अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कहने की कोशिश में है कि भाई ऐसा मत कर, वैसा मत कर, वो मैंने आपको एक वीडियो इसके पहले भी दिखाया है जहां शालीन ने अपना मास्टरमाइंड लगाते हुए अपना दिमाग से उन्होंने खेल लिया है, खेल गए हैं वो, और खेलते ही उन्होंने काफ़ी कुछ गौतम को समझाने की कोशिश की कि देख सौंदर्य से दूर रह, सौंदर्य के साथ मत पढ़ वगैरह वगैरह। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि शालीन और ये देखिए गौतम जो है कुछ इस तरीके से वहाँ पर घूम रहे हैं, जी हाँ, और गौतम झाड़ू लगा रहे हैं हालांकि, और शालीन कहते हैं कि देख भाई मैं तुझे समझा रहा हूँ, तू रियल रहे, जेन्युइन रहे, इस रिश्ते को छोड़ दे और इस रिश्ते से अभी के लिए, फिलहाल के लिए हट जा, तू दूर हो जा। जिसके बाद गौतम कहते हैं कि भाई देख तू मुझे मत समझा, ठीक है, मेरे को जेन्युइन फीलिंग्स है उसके लिए और मुझे जेन्युइनली सौंदर्य पसंद है। लेकिन फिर गौतम शालीन को कहते हैं कि लोगों को लग रहा है कि तुम जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हो, स्वीट बॉय बनने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा एंग्री मैन अवतार जो था वो तो खत्म हो गया, एंग्री मैन वाला जो मोड था तुम्हारा वो वैनिश हो गया, अब तुम स्वीट बॉय जिसे बहुत कुछ समझ में नहीं आता, जो बहुत मासूम है, बहुत प्यारा है, प्यार में है, पपी बॉय टाइप का, इस तरह की एक्टिंग करके तुम इस तरह के लवेबल बॉय बनने की कोशिश में हो। जिसके बाद शालीन कहते हैं आई डोंट इंटेंड टू, दिस इज मी, यानी कि मुझे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, स्वीट और बेवकूफ। जी हाँ, खुद को ही बेवकूफ शालीन ने बुला लिया है, क्योंकि गौतम ने तो कहा तुम लोगों को लग रहा है तुम बेवकूफ हो नहीं लेकिन बेवकूफ बनने की एक्टिंग कर रहे हो। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शालीन सही है या गौतम, लेकिन दोनों ने कोशिश बड़ी कर ली साथ रहने की, लेकिन इनकी दोस्ती हो नहीं रही है, उल्टा लड़ाइयाँ होती चली गई। फिर कुछ जेलेसी का टॉपिक निकला तो गौतम ने भी कहा कि तुझसे जेलस होऊंगा मैं, मेरे यही दिन आ गए कि मैं तेरे से जेलस होऊंगा। तो आप देख रहे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि लड़ाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आपकी बारी है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में।